इमरान फरीदी सीरीज़ का पार्ट 10 हेडिंग है वो कौन था। इमरान लंगड़ाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, इसलिए वो उनसे तकरीबन 20 गज पीछे रह गया था। इमरान ने टॉर्च रोशन कर रखी थी और वो बार बार खांसने लगता था, साथ ही उसकी ज़बान में उसमें बेवक खांसी की शानवे कसीदे भी बढ़ती जा रही थी। क्या मैं तुम्हें सहारा दूँ, दूसरे नकाम को उसने पूछा। इन इमरान ने पढ़ाई हुई, उसने कहा इन पर अच्छी तरह नज़र रखो। वो चलते रहे कुछ देर बाद किसी तार में दार रखे हुए जिससे गुजर कर वो इस सरसर घाटी में पहुँचे थे। कुछ दूर चलने के बाद नकाब पोषने ने बाएँ जाने मुड़ने का हुक्म दिया। इमरान ने देखा कि इस दार में एक दूसरी दरार थी, वो इतने फासले से उनके पीछे चलता था। उसकी टॉर्च अब भी रोशन थी और उसकी रोशनी में आगे वाला रास्ता तय कर रहा था। इस दरार का खात्मा एक बहुत बड़े कार के थाने पर हुआ। अंदर चलो, नकाब पोषने इमरान को धक्का दिया जो कार के थाने पर रुक गया था। फिर वो सब एक एक करके कार में दाखिल हो गए। इमरान को कार में तीन और आदमी नजर आए, लेकिन इन्होंने अपने चेहरे नहीं छुपा रखे थे। दफ़तन ओपरान को रहे हो तो तुम वो गद्दार कमीने। ओपरान ने एक दराज का आदमी को मुखातिब किया जिसके चेहरे पर घनी और भूरे रंग की मूछें थी। ओपरान की बात का जवाब देने के बजाय इन नकाब पोशों पर बरस पड़ा। क्या तुम गधे हो, इन्हें लाने की क्या जरूरत थी। किसने कहा था मैं कुछ नहीं जानता, इनसे पूछे। दूसरे नकाब पोश ने इमरान की तरफ कहा, क्यों भूरी मूछों वाले इमरान की तरफ देखकर रो रहा है। इमरान ने टांग दम सीधी करते अपने चेहरे से नकाब खींच पाका और बैक वक्त कार में कहीं तैयार से था वैसे गूंज उठे। अक्सर मेरी खांसियाँ मेरा दिमाग उलट देती हैं, इमरान ने है आनंद आजमा का, इसलिए तुम लोग अपने हाथों पर उठा दो। ब्रेव हो के लिए ने कहना लगाया वंडरफुल। ओपरान मुख्यार अंदाज में खुद के चुपका रहता था। फतान ओपरान समझ कर बोला, क्यों मार्शल कुत्ते अब क्या कह लें, इतने बूढ़ी पूछो वालों को मुखातिब किया। वो कुछ बोलने के बजाय दूसरे नकाब पोछो वो कह रहा आलूद नज़र से घूरता रहा। इन्हें गिरफ्तार कर लो इमरान ने कहा, लेकिन वो सब इसी तरह खड़े रहे। इन्हें ऐसा मालूम था हो रहा था कि जैसे इमरान कुछ कहना चाहता लेकिन इरफान नहीं मिल रहा। घर में एक कैरोसिन लैंप रोशन था और वहाँ बिखरी भी मुख्तलिफ चीज़ों से अंदाज़ा होता था कि उस लोग इस घर में कई दिनों से मुकाम है। हाँ हंटर, इमरान थोड़ी देर में बोला गया, तो मैं अपने एक ऑफिसर को गिरफ्तार करता खुशी ना होगी। चलो जल्दी करो, इनकी टाइम से इनके हाथ बांधो। हंटर ने सबसे पहले नकाब पोछ की गर्दन पर रद्दा जमाया और उसकी नकाब पोछ ली, लेकिन शायद ये आदमी भी इसके लिए अजनबी था। ग्राउंड वाला और सत्य भी हंटर का हाथ बटाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अचानक मार्शल ने कैरोसिन बम में ठोकर मारी जो करीबी ज़मीन पर रखा था। घर में अंधेरा हो गया और इमरान के पास सरदर धाने पर फिर इसने बड़ी फुर्ती से टॉर्च रोशन की। तीन आदमी हंटर ग्राउंड वाला और अफरान से गते हुए नजर आए, लेकिन मार्शल गायब था। सफदर कार के थाने पर दिखाई दिया, इतनी जल्दी मुमकिन ना था कि मार्शल कार के थाने तक पहुँच सकता। इमरान इन्हें लड़ता छोड़कर चारों तरफ चखा आने लगा और फिर उसको रास्ता नजर आया जहाँ से मार्शल के फरार होने के इम्कान थे। ये सतह ज़मीन पर एक छोटी सी दरार थी जिस पर उसकी नज़र पहले नहीं पड़ी थी। इसने दरार में रोशन की दूर तक एक ढलवान रास्ता नजर आया। इमरान दरार में उतरता चला गया, फिर उसने अपनी खुश करके कदमों की आवाज़ें सुनी। वो टॉर्च रोशन किए हुए तेज़ी से नशे में उतरता चला गया। अब गार की घुटन से निजात मिल गई थी। सर पर तारों बड़ा आसमान था और नीचे दोनों जाने लामहदूद गहराइयाँ थी। जिस रास्ते में अक्सर चल रहे थे वो एक कहीं फलांग लंबी चढ़ान थी जिसकी चौड़ाई 6 फुट से ज़्यादा ना होगी। अक्सर जगह तो इतनी तंग हो गई थी कि दो आदमी बामुश्किल खड़े हो सकते थे। दफ़ा उसने कदमों की आवाज़ सुनी, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उसके साथियों में से कोई हो सकता था। इस रास्ते के एक तदंपर को रुक गया, आगे फिर चढ़ाई शुरू हो गई थी और दोनों जाने की गहराइयाँ भी बहुत पीछे रह गई थी। उसने टॉर्च की रोशनी की रफ्तार में गर्दोपेश का जायजा लिया और फिर आगे बढ़ने का इरादा कर ही रहा था कि कदमों की बिल्कुल गरीब आगे आने वाली केली की रामदेख क्या नहीं मिला, उसने पूछा। क्या नहीं मिला, इमरान के सवाल में भी हैरत शामिल थी। जिसके पीछे आए थे मैं अपने बड़े भाई के पीछे आए थे, लेकिन मुझे कोई हुआ था कि 30 साल हो चुके। अजीब आदमियों के लिए छिझाकर बोली, मैं पूछती हूँ इस वक्त की बात ना है। इस वक्त इमरान ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, इस वक्त सितारों की सड़कों का किनारा तलाश कर रहा हूँ। मेरे दादा अम्मी कहती थी कि सितारों की सड़क का रास्ता ज़मीन के नीचे से जाता है, जहीं गाय अपने सींगों पर फुटबॉल उठाए खड़ी जगाली कर रही, और यही फुटबॉल ब्लैक एंड वाइट टेन रखा गया और ज़मीन इसी ट्रेन भटकी हुई। यही वजह कि ज़मीन बरसने वाले तंबाकू बहुत पसंद करते और तंबाकू की वजह से फेफड़ों के सरकार में घरों में खुला हो जाएगी। तो मखा जितनी बकवास की घटाली के लिए बुरा समूह ना करता, फिर किससे करूँ ऐसी बातें। मुर्दों से करता हूँ तो मुझे वेगो समझता हूँ। मेरा दिल जानता है कि हर वक्त अपनी दादी उम्र की बातें कर रहे हैं, और उसका क्या वो जिसके पीछे गए थे बड़ा वेगो रोबर निकला। इमरान बुरा समूह बनाकर बोला, वालमीन ने पलट कर देना पूछा, खासियों का ख्याल। अच्छा खामोश रहा, और उसने मेरे मन पर गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी।
तो भागने का रास्ता नहीं मिल गया, तो उसे तलाश करा फिर वापस हो गए। तो फिर वापस जाओ, मैं गाय को जुगाली करते देखना चाहता हूँ जिसके सीन, क्या तुम दूसरों को बिल्कुल उल्लू समझते हो? केले में गड़ कर बोली। इन लोगों ने गाय की बात करते हैं, जुगाली करते हैं, गाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, अक्सर मैं भी तनाई में जुगाली करने की ओर रहना। अरे वो क्या दफा तुम खेली उछल पड़ी? हाँ, इमरान ने टॉर्च बुझा दिया, नीचे खिसक आया। केली बड़ी फुर्ती से चटाने पर लेट गई थी। इमरान भी झुक कर ऐसा से बोला था। केली ने बुलंदी की तरफ हाथ उठाकर कहा, मैंने मुताबक शायद देखा वो मार्शल ये तो फायर करने के मगर नहीं करेगा। इमरान ऐसा से बोला, तुम इस तरह रिंगती हुई बच जाओ, क्यों मैं वापस में हूँ? दादी अम्मी कहा करती थी, कहती रही होगी बस हमेशा मुझे तुम्हारी दादी अम्मी से भी दिलचस्प में केली को घबराती रही। इमरान भी था आगे बढ़ गया, उसने चढ़ाई पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। केली भी शायद उसके पीछे चल रही थी, उसने महसूस किया चढ़ाई पर चढ़ रही थी। फिर टॉप रोशन की रोशनी का दायरा इधर उधर तक चक्कर आता रहा, लेकिन मार्शल का सराहना मिला। केली जवाब फिर उसके पास पहुँच चुकी थी, ऐसा से बोली, शायद वो लोग भी आ रहे हैं। इमरान कुछ ना बोला, इसने भी नशे में कई कदमों की आवाज़ सुनी, वापस चलना चाहिए। किसी ने कुछ देर बाद कहा, शायद वो बिल्कुल ही गया है, तुमने वहाँ इतनी बकवास करते हो वक्त बर्बाद किया। केली ने कहा, इमरान वापसी के लिए मोड़ा, उसे बहुत भी एहसास था कि अपना वक्त बर्बाद किया। हमारी जुबान को गैर जैसे काफ़ी रिश्ते हुए तो की बकवास के लिए बचन थी, नीचे उतरने लगे। रास्ते में अपना मकसद मिल गया नहीं, मैंने बस इनकी वजह से निकल गया। इमरान ने ठंडे साथ लेकर कहा, की वजह से उन्होंने अपनी दादी अम्मी गुस्से छोड़ दिए थे। अरे अरे मैंने छोड़े थे, तुमने गेली में रस्से का, तो फिर मैं ही बोल रहा हूँ, मेरी आदत बहुत कमजोर। उतारा है मोहतरमा का जैसे सबने ठंडी सांस लेकर बोल दी। मार्शल निकल गया, बहुत बुरा हुआ। अब्राहम बोला, तुम वो वापसी के लिए मुड़ गए एंटर और जनामिल के दियो के साथ इसी बात में जहाँ में पहुँचकर इमरान ने अपना सुन लिया। इनके सामान की अच्छी तरह तलाशी ली है। हाँ, कोई खास काम भी थे नहीं, कोई खास बात नहीं। अब्राहम ने जवाब दिया, लेकिन इमरान शायद मुमकिन नहीं था। इसने दोबारा वहाँ हर चीज़ का बफर जायजा लिया, लेकिन कोई चीज़ बरामद ना हो सके। थोड़ी देर बाद अपने कैमरा के बाहर रवाना होगा। तीनों कैदी आगे चल रहे थे। मार्शल कौन है? वो सबसे पहले मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो वहाँ ताना रह गया था। फिर मैं तुमसे ताना ही नहीं कह चाहता था, अपनी मौत इमरान ने जवाब दिया। ओके वो मर गया। हाँ, मैंने बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो मर गया था। तुम्हारे पास भी कोई वैसे सुनहरा इसमें जायजा ना होता तो उसके इस्तेमाल से कैसे भागे बैठा? तुम आगे हैरान गए सामने साबित हुए दोस्त में, तो मैं हमेशा रखूँगा। मैं मार्शल के मुताबिक पूछ रहा था, ना पूछो तो बेहतर है। उपरान मौकम ले जाऊँगा, मुझे बताते हुए शर्म आएगी। अंधेरा इसलिए बता दूँ, मैं तुम्हें शर्माते ना देख सकूँगा। बद वक्त मेरे महकमे का आदमी और मेरे बराबर ही का होता रखता। महकमे में कब से बहुत दिनों से तकरीबन 12 साल पुरानी मुलाजिम थे, अब वो जीरो लैंड के लिए काम करते हैं, इमरान बोला। हाँ, इसी तरह ये लोग हमारी खुफिया जायदाद चुरा कर नामालूम जीरो लैंड तक पहुँचाने में कामयाब हुए हैं। मैं कहता हूँ, आखिर ये मुहिम किस तो पर करती दी जा रही है? हमारा पहले जीरो लैंड अमेजन के किसी दुशवार हजार इलाके में, इसका अलग वजह कुछ अरसे से कहीं उड़न तश्तियाँ और फुटबॉल की शक्ल की कहीं तैयारियाँ इक्वाडोर पर परवास करते देखे हैं। इनका रुख मशरक़ की तरफ था और इन्हें इस वक्त तक दिखाई देता रहा जब तक जंगलों में दाखिल ना हो गए। इसके बाद इक्वाडोर की हुकूमत की जा सकता, हमारे सैकड़ों गाँवों ने दूर तक परवास की, लेकिन कुछ नहीं मिल सका। जंगल इतने घने के नीचे का हाल मालूम कर लेना दुशवार है। हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है जिन्हें लंबी परवास के काम में लाया जा सके। इमरान कुछ ना बोला और चलते रहे। कि अली सफर से इमरान के मुतालिक ही गुफ्तगू कर रही थी। सफर की समझ नहीं आ रहा था कि इमरान के मुतालिक क्या बताएं, क्योंकि इमरान तो खुद उसकी समझ से भी बाहर था। वो कैमरा पर पहुँच गए। हम दोनों मुलाजिम एक जगह बंधे हुए खड़े थे, जिनके सुपर आल्डर्स की लाश की निगरानी स्टार ओब्राहम। इमरान ने कहा, मेरे ख्याल है इन तीनों कैदियों को इन छोड़कर बाहर खुले मैदान में निकल चले। मार्शल खामोश नहीं बैठेगा, इसकी कोशिश होगी हम सबको दूसरी सुबह ना देखने दे, क्योंकि उसका राज जाहिर हो गया। जाहिर है कि तुम्हारे मुल्क की सिगरेट सर्विस से आसानी से अलग होना पसंद नहीं करेगा। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, अभी तक तुमने जो कुछ कहा है ठीक ही नहीं किया। इस गुफ्तगू या तीनों कौदियों को ज़मीन पर गिराकर इनके पैर भी बांध दिए गए। फिर इनके हालत में रुमाल ठूस से जाने लगा। फिर वो बाहर निकला। इमरान अपना सूट केस उठाना नहीं भूला था। ओब्राहम ने कहा, क्या सामान भी यहाँ ले चले? जैसा दिल चाहे, मैंने अपना सूट केस हर वक्त साथ रखने का आदी हूँ, क्योंकि मेरा अकल अमूमन इसी में बंद रहती है। ऐसा मैसेज के लिए अगर चाहे कीली केली केली में चिल्ला करके, ओ माफ़ कीजिएगा, ये भूल जाने का मर्ज मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मिस्टर ओब्राहम इनका नाम है, मुझे बिल्ली महारान याद आता है। कभी बर्फ़ आना है तो चल दीजिए बाहर निकले। इन्होंने खिड़कियाँ और दरवाजे तो बंद कर लिए थे, लेकिन कैरोसिन लैंपों को रोशन नहीं रहने दिया था। कुछ दूर चलने के बाद वो चटानों की ओर में आ गए, लेकिन इनका रुख लकड़ी के मकान की तरफ था। एक घंटा गुजर जाने के बाद केली को डराने लगी कि आज की रात यही चाहिए, नहीं अभी और शामिलें आएंगी। इमरान से हला कर बोला, और फिर अचानक इन्होंने लकड़ी के मकान से शोले बुलंद होते देखे। मैं इससे कहीं बुखला कर उठे, मैंने इमरान को रहा अगर अंधेरे में अपनी जिसम छलनी करने हैं तो ज़रूर जाओ सर। उनमें से कहीं बेकवा घोड़ बढ़ाने लगे, मैं अपने सामान की फिक्र थी। दफ़तन इन्होंने टेन गन की रेड रेड सुनी। हाँ तो वो तना इमरान ने कहा, ये कैसे कह सकते हो? इमरान ने कहा, अगर कहीं होते तो आग
लगातार फाइंड ना करते बल्कि हमें ज़िंदा पकड़ने की कोशिश करते, क्योंकि इसका टकराव का मकसद सुनहरे स्पंज का टुकड़ा हासिल करना था। मैंने इसकी कपड़ी की परवर हो सकती है कि हम ये बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधने के लिए इकट्ठे हुए। ठहरो तुम लोग यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। इमरान काफ़ी गन संभालते हुए अंधेरे में रेंगता गया। लकड़ी की इमारत से शोले बुलंद होते दिखाई दे रहे थे और टॉमी गन शोर मचाती थी। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे इस्तेमाल करने वाला पागल हो गया। फिर इन्होंने दो टॉमी गनों की गिरफ्तने की आवाज़ सुनाई थी। और फिर टकराव हो गया। ठीक उसी वक्त दूर से इमरान की आवाज़ आई, अरे बाप रे तो मरी गया। और फिर वो चट्टानों की ओर से निकल कर चलते हुए मकान की तरफ भागे। पार्ट 10 एंड।